हेलो गाइस, माय नेम इज मयंक तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाइक लवर एक्सट्रीम लेवल। और आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ। ये रहे मेरे दोस्त पूरा बैट। अब दोस्त शिवम के घर जाना है और बॉल लेनी है, तो चलते हैं शिवम के घर पे, आपको दिखाते हैं आगे। अब आगे चलते हैं आगे। ये देखो, ये हमारे यहाँ का एरिया का गार्डन है। ये जिम है, मॉडर्न अखाड़ा, कन्हैया पब्लिक स्कूल जहाँ मैं पढ़ता हूँ। पूरा स्कूल है पीछे का। ये हमारा पुस्ता है, ये देखो। खेलने के लिए हमें 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पैदल पैदल। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं दोनों, ये है आदित्य, ये है ऋतिक, और बैट इसके हाथ में ही है। और अब हमें मौर्या अपने दोस्त के पास जाना है, शिवम मौर्या, उससे बॉल लेनी है। ये देखो, ये पुस्ता है, इस पर शायद से अगली साल तक 6 लेन हाईवे भी बन जाएगा। अब चलते हैं आगे और आपको आज दिल्ली पुलिस भी दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस के एंट भी यहीं हमारे यहाँ पर ही है। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने दोस्त शिवम के यहाँ आए और इन्होंने मना कर दिया, इनके पास बॉल नहीं है। अब बॉल इसके पास है, ये लड़का आदित्य है। अब इसने हमें धोखा दे दिया, अभी हमें वापसी घर जाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कैंट की तरफ, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। सामने दिल्ली पुलिस कैंट है, दिखाता हूं आपको, कैमरा टर्न करके दिखाता हूं। बस आगे दिल्ली पुलिस कैंट आ गया। ये सारा एरिया उन्हीं का है, क्योंकि वह दिखाता हूँ कि ग्रीनरी सब उन्हीं की है। सब कुछ मतलब केंद्र सरकार के अंडर में आता है हमारे एरिया में, ये सब कुछ इतना आप देख रहे हो। अभी दिखाता हूँ आपको, ये जूस वूस वाले यहाँ पे लगाते हैं। आगे दिखाता हूँ, अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे त्रिपुरा स्टेट, सिक्किम पुलिस, मेघालय पुलिस सब यहाँ पे ही है। 11वीं बटालियन, RASC सब कुछ है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया था दिल्ली पुलिस वजीराबाद ट्रेनिंग कैंप, और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है दिल्ली पुलिस का कैंप, नॉर्मल कैंप। गाइस, थोड़ा बच के रहना, ये पुलिस वाले अंकल खड़े हैं। दिल्ली पुलिस अकेडमी वजीराबाद दिल्ली 90। अच्छा सॉरी, वो दिल्ली पुलिस कैंप था, ये अकेडमी है। ये देखो अधिकारी दिल्ली पुलिस के, उनकी गाड़ी। आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ पिच, जहाँ पे हम खेलने आते हैं वो ये है नीचे। गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग अपनी पिच पे। तो मैं बता दूँ, हमारे एरिया में गार्डन कोई सा नहीं है जिस पे प्लेग्राउंड, लेकिन ये है दिल्ली पुलिस वालों की तरफ से हमें मिला हुआ, इस पर खेल सकते हैं। इसमें उतरना ही सबसे बड़ा एडवेंचर है, देखते हैं उतर के। सबसे पहले भाई तू जा, ऋतिक जाएगा, फिर आदित्य है। अब देखो कैसे उतरते हैं हम यहाँ से। ये देखो पिच, इतनी बड़ी पिच है, बहुत बड़ी है ये। कैमरे में भले नहीं आ रही हो, छोटी आ रही होगी, लेकिन है बहुत बड़ी। और अभी हम यहाँ से आए हैं ऊपर से। देखो यार, यहाँ से आना सबसे बड़ी है, और कोई ऐसे अगर नॉर्मल पहले ना आए, यहाँ देखेगा नहीं ना, नीचे मुंह के बली गिर जाएगा। अब आपको पूरा इसका टूर दे देता हूँ। अब यहाँ से पूरा जो है ना, पूरा गोल करके, पूरा वहाँ से गोल पूरा यहाँ से रनिंग, ये ट्रैक है हमारा, इस पर रनिंग करते हैं। आओ दिखाते हैं। आदित्य भाई थोड़ा आगे आएगा, इधर देखो, यही है ट्रैक। ये वैसे यहीं के हम लोगों, लोकल ने सबने मिलके किया है सब कुछ, देख सकते हो, ये बनाया है ये ऐसे। ये सब, ये दोनों पीछे पीछे। गाइस, ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताना। ये रहे दोनों, और लाइक भी कर, और लाइक जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो। और दो ब्लॉग पहले भी आ चुके हैं, उन्हें भी लाइक कर देना। वैसे यहाँ पर आना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यार बड़ी शांति रहती है और पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। आओ दिखाता हूँ, देखो ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर। यहाँ से गोल जाके फिर वहाँ से आना है, फिर वापसी अब यहीं से आओगे, ऐसे गोल गोल चक्कर मार सकते हो। और आगे भी जाओगे तो आगे से और लंबा राउंड ले सकते हो, अपनी इच्छा है। फ्रेंड्स, ये हमारा मिनी ग्राउंड है, ये इस ग्राउंड के पीछे वाला एक हिस्सा है जो बच्चों के लिए छोटा सा ग्राउंड है, बहुत छोटा है, मतलब वहाँ कबड्डी खेलते हैं।
और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है CRPF कैंप के, हमारे यहाँ छोटे छोटे बंकर बना रखे हैं इन्होंने, यहाँ से पुश्ते पे देखते रहते हैं सेफ्टी के लिए। ये सब मैं बताया ना, ये सब एरिया इन्हीं का है, ये दोस्त हैं मेरे दोनों, अभी तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन दे ही दिया था, देख सकते हो। तो गाइज़ व्लॉग कैसा लगा बता देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।